सो गाइज वेलकम टू माई ब्लॉग, आई एम क्रिस्टेक। सो आज मुझे एक दुख बैड न्यूज़ देनी है और एक चीज़ भी दिखानी है आपको। तो हम पहले उस चीज़ को लेने चलते हैं। बस ना, तो ये हमारा पैकेट आ चुका है। सो गाइस पैकेज आ चुका है, बस अब इसको घर चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग, आई एम क्रिश टैग। तो आपने अभी शुरू में शायद क्लिप देख ली होगी, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में क्या है, लेकिन आपको पूरी बातें अभी पता नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें रिवील करूँगा कि मैं अपना पूरा दिन किन चीज़ों के साथ बिताता हूँ, और भी अच्छे अच्छे सरप्राइज, और मैं आज एक चीज़ का रिव्यू भी करूँगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो शायद कोई अपनी वीडियो में इतनी बातें बताता होगा, तो उसके लिए हम पहले रेडी हो जाते हैं। टी शर्ट आने दो। तो हो गए ये हमारे कपड़े चेंज। तो अब मेन बात, अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैं किसके साथ पूरा अपना दिन स्पेंड करता हूँ, मेरे कौन दोस्त हैं, मतलब दोस्त नहीं, भाई बहनों को अलग लेके, मतलब भाई बहनों के अलावा। और हाँ, इस वीडियो को अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक सजेशन, अगर आप पे कोई भी सजेशन है या वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप पे कोई भी अच्छा कंटेंट है, मतलब आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो YouTube पे आए, तो मेरी जीमेल और Instagram ID आ रही होगी, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जीमेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, तो वहाँ पर जाके अगर आप पे कुछ अच्छा है, देखो भाई क्योंकि न्यू चैनल है, ग्रोथ दोनों की होगी। अब भाई आप पे कुछ अच्छी सी अच्छा कंटेंट है, हम दोनों मिलके बनाते हैं, तो चलो वो उस चीज़ को साइड में रखते हो, बाद में बात करेंगे। तो पहले सबसे मेन, जो मैंने क्लिप डाली थी शुरू में, उस क्लिप के लिए जो मैं अमेज़न से सामान आया था उसको पिक करने गया था, उसको लिया मैंने, और मैं घर पे आ चुका हूँ। अब उस चीज़ को मैंने ले तो लिया है, लेकिन वो मैंने सैनिटाइज करी नहीं है, क्योंकि भाई अब सैनिटाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोग भी घर में तो लॉकडाउन खुल चुका है, मास्क वक्स बढ़िया से लगा के रखें। तो पहले मैं अपने जो ये प्रोडक्ट आया है इसको सैनिटाइज करके फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो बाय। ये अमेज़ोन का, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स में कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑल आउट नहीं होता, और उस पर थोड़ी सी और भी चीज़ें थी तो वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन तो अब मैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे कुछ सामान ढूंढना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है कलम, तो इसको अनबॉक्स करने के लिए कुछ नहीं करना, सीधा यू करना, और ये अपना देसी स्टाइल है अनबॉक्सिंग का, ठीक है। ये हमारा निकल गया Digitec का लाइट वेट DV ट्राईपोड, DTR 260 GT गोरिल्ला ट्राईपोड है, जिसके साथ एक प्ले बटन मिलता है और एक अच्छी क्वालिटी का होल्डर मिलता है माउंट, ठीक है, समझ रहे हो आप? और तो अभी मैंने भी नहीं देखा इसको ढंग से खोल के, अभी तो खोला ही नहीं है ढंग से क्या, तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है हमारे साथ। एक माउंट, एकदम देखो एकदम सेम माउंट है, पिक्चर आ रही होगी स्क्रीन पर, सेम टू सेम माउंट मिला है।
बट यार ये कुछ ज़्यादा क्यूट सा है, छोटा सा। हाँ लेकिन भाई जो इस पर लिखा हुआ है बहुत लाइट है और अच्छा फ्लेक्सिबल है, इसमें इतनी दिक्कत है नहीं। और हाँ गाइस, जो इसके अंदर एक प्ले बटन था कि जिससे हम फोटोज वीडियोस बना सके, और ये बटन आपके iOS और एंड्रॉयड दोनों में यूज़ आता है। और हाँ इससे जैसे ये देखो इसके अंदर सेल भी आता है, अभी देखो ये ऑन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मैंने मतलब मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा कि ये ख़राब नहीं है और फेक नहीं है। पहले हम अपना ये माउंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको लगा लेते हैं। अगर आपको भी अगर ट्रैपोर्ड या डिजिटेक का कुछ भी सामान ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेक करो, अमेज़ोन का लिंक है, मैंने भी अमेज़ोन से ही मंगाया था, मतलब एकदम रिजनेबल प्राइस था, ज़्यादा महंगा नहीं था। मुझे पड़ा ये 434 का, हाँ 434 का। तो पहले इसमें मैं फ़ोन लगा लेता हूँ, तो फ़ोन लगाते हैं। देखो भाई मैं कोई से फ़ोन लगा रहा हूँ, इतना नोटिस मत करना। और ये लगा दिया फ़ोन। तो अगर जैसे भाई आप हाथ से बनाते हो, आप क्या, मैं ही हाथ से बनाता हूँ तो मुझे पता है, कोई कहे ना कहे, लेकिन क्वालिटी में मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती वीडियो में। तो इससे हम वीडियो को पूरी स्टेबल बना सकते हैं, पूरी की पूरी। इसको फेंक लो, तो एकदम बढ़िया से व्यू ले सकते हैं हम पूरा का पूरा, दूर दूर तक। रुको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझ नहीं आएगा। लेकिन पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं आपको ये बटन कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो उसके लिए हमें पहले सीधा हमें जाना है, क्या कहते हैं, इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ऐसी लाइट जलेगी, ब्लूटूथ में जाना है इसके फ़ोन के, आपके कोई भी फ़ोन ले दो। AB शटर 3 नाम से आ रहा है मेरे फ़ोन में, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये हो गया। तो अब मैं इससे फ़ोटो भी खींच सकता हूँ, वीडियो भी बना सकता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोटो खींच के भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये मेरा फ़ोन है, रुक जाओ मैं इसे ट्राइपॉड पे माउंट कर लेता हूँ वापस। कि भाई बहुत से बंदों के दिमाग में झूठ दिखा रहा है भाई, झूठ दिखाना नहीं सीखा। देखो भाई ये ट्राइपॉड है, थोड़ी सी ब्राइट लग जा रहा है भाई, ट्राइपॉड आ जा, ठीक है। तो मैं इस फ़ोन को फोटो मोड में करता हूँ, चेक करते हैं इसे, रुक जाओ। ये क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा गलत सीन हो गया, इस फ़ोन से नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि इसके अंदर फ्लैश लाइट वर्क नहीं कर रही है। ये बहुत दुख की बात है भाई, भगवान फ्लैश लाइट इन जल्दी, कैसा फ़ोन है, नकली फ़ोन है, फ़ोन नहीं है, डब्बा है ये, फ्लैश लाइट नहीं चल रही। लेकिन इससे मैं दिखा दो, देख लो, ठीक है, दिख रहा है, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, अगर ना दिख रहा हो तो सॉरी। अब मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ, जस्ट मैं बैठा हूँ और फ़ोटो खींच चुकी है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर मैं इसको प्ले बटन के बिगर लेता ना तो ये मुझे थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें टाइम लैप्स बनाने हैं और हम अकेले हैं तो सीधा ट्राइपॉड रखो, यहाँ से एक बटन दबाते के साथ ही हमारी वीडियो से लेकर टाइम लैप्स फ़ोटो वगैरह हम सब खींच सकते हैं, और रेंज भी अच्छी खासी मिल जाती है। और इसके अंदर हम माइक भी माउंट लगा सकते हैं एक, इसके अंदर देखो भाई क्वालिटी अच्छी है, छोटा है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। फ़ोटो में दिखाया था वैसा नहीं है, उसमें वो ज़्यादा बड़ा दिखा रखा था, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, देखो बढ़िया है। मतलब मैंने ना एक टाइम पहले भी गोरिल्ला ट्राइपॉड मेरे दोस्त पे था, उसको देखा था तो वो बहुत जल्दी टूट गया था, हमने उसको लिया था पता नहीं किसी ऐसी मार्केट से लिया था, तो वो बहुत जल्दी टूट गया था, ये लगता नहीं कि टूटेगा। बाकी मैं इसका इससे अब अपनी ज़्यादातर वीडियो बनाऊँगा। और एक बैड न्यूज़ दे देता हूँ मैं, कि मैं शायद कुछ टाइम तक वीडियो ना डालूँ, आप लोग कह रहे होगे डालता भी कौन सा है,
तो कोई नहीं, अगर मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं शायद रेगुलर ही रहूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे लगातार वीडियो आती रहेंगी, एक से एक वीडियो आएंगी, तो उस उन वीडियो वो वीडियो अच्छे हैं, तो इसलिए इस वीडियो पे लाइक कर दो, ठीक है? Because I know somewhere deep down in my heart, I still love you. तो और क्या था? अब मैं आपको दिखाने चाह रहा था अपने दोस्त, ठीक है? तो उन दोस्तों को दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग सोचोगे ये क्या है, जो ये है ना, इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो मतलब दोस्तों क्या, लेकिन बहुत अच्छी है। तो हमें पहले वहाँ पर चलते हैं। गाइस मैं दिखाता हूँ इसके नीचे क्या है और मैंने इसे क्यों ढक रखा है। इसके नीचे मेरे बर्ड्स हैं और एक पैरेट है, जो कि मतलब हमें बहुत वैसी हालत में मिला था, बहुत घायल था ये, इसको मतलब बाहर पक्षियों ने, बड़े पक्षियों ने मार, इनमें से ज़्यादातर वही हैं जो घायल थे, तो फिर उनके लिए एक साथी हमला है, क्योंकि ये बर्ड्स होती हैं तो ये तो मर जाती हैं, तो ये ना मरे तो एक हम साथी ही आए थे इनके लिए, ठीक है? तो पैरेट दिखाओ भाई। पैरेट है जो, ये भी बहुत बीमार था, इसका नाम है प्रिंस। देखो ये बोलता भी है, इसके साथ खेलता भी हूँ मैं, लेकिन जस्ट मैं ट्राई करता हूँ। बहुत फ्रेंडली है ये। और क्या, और मेरे पे एक फिश है जिसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो ठीक हो गई है। और ये हमारा प्रिंस है, तो मेरा ज़्यादातर वक्त इनके साथ ही बीतता है, क्योंकि मैं अपने घर से थोड़ा कम ही बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं होता, मेरे स्कूल होता है, फिर ट्यूशन होता है, तो मेरे ज़्यादातर दोस्त यही हैं। बाकी मेरे भाई बहन, उनसे भी मैं आपको जल्द ही मिलाऊँगा। Hey guys, मैं हूँ आर्यन, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। ऐसे ही हम रोज हमेशा फनी वीडियो लाती रहेंगे, आप दिक्कत मत करना। अगर बोर हो तो हमारे चैनल को देख लेना कभी कभार, अगर नेट मिल जाए। सो गाइस, ये मेरा छोटा भाई है, ये मतलब पहले कभी वीडियो में आया नहीं, लेकिन अब से रोज़ आया करेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि इसे भी वीडियो में ले लिया कर, क्योंकि ना ये मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये बस इसका रोज़ काम नहीं, ये बस रोता है, वो मेरे से लड़ाइयाँ करता है, क्योंकि हर छोटे भाई को ना दिक्कत होती है अपने बड़े भाई से, ये भी बंदे समझ पा रहे होंगे। और हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ ना, तो मुझे पता है मतलब पेरेंट्स जो भी होते हैं ना फैमिली मेम्बर्स, सब कहते हैं कि इसको भी मतलब इसको रुलाया मत करा कर, ये भी सारे बड़े भाई बहन समझ रहे होंगे, है ना? तो और कुछ नहीं, अब ये वीडियो में आता रहा करेगा, जैसे जैसे वीडियो आया करेगी, हर वीडियो में आपको दिख जाया करेगा। तो अगर आपको ये भी अच्छा लगता है ना, तो अभी आपको नहीं मतलब इसको जानते नहीं हो, अभी मेरे साथ हर वीडियो में दिखा करेगा ना, तो आपको पता चलेगा कितनी खतरनाक चीज़ है ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।